तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आज के दिन बाजार में हमें जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, 800 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स के अंदर देखने को मिली, उसके पीछे की वजह क्या है, भारत और कनाडा के जो संबंध अब हमें बिगड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है, HDFC बैंक के अंदर आज के दिन हमें जो 3% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली उसके पीछे की वजह क्या है, सारी चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मार्केट ओपन होता है नेगेटिव, उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनके बीच में अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है कि कनाडा के जो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो उनका राजदूत है उसे यहाँ से बाहर कर दिया गया है, यानी कि उनसे भारत से निकाल दिया गया है। उसके बाद में हमें बाजार में अगेन गिरावट देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ कनाडा के अंदर जो हमारे भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं उनको लेकर भी एक बहुत बड़ी एडवाइजरी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज करी गई है। तो अल्टीमेटली इन्हीं सब न्यूज़ के चलते आज के दिन बाजार में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। सबसे पहले सेंसेक्स में तो हमें गिरावट देखने को मिली ही सही, लेकिन साथ ही साथ निफ्टी के अंदर भी हमें लगभग 230 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी आज के दिन हमें नेगेटिव ही ओपन होते हुए देखने को मिलता है, लेकिन ठीक 10 बजे के करीबन हमें निफ्टी में रिकवरी आते हुए देखने को मिलती है। लगभग 20,000 के लेवल को अगेन निफ्टी टच करता है, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर हमें मार्केट क्लोजिंग के वक्त लगभग 230 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। सबसे पहले रीजन को अगर यहां पर नोट करें तो HDFC बैंक के अंदर फ्री फॉल और HDFC बैंक का निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिलता है अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, और यहीं पर हमें 3.8% यानी कि ऑलमोस्ट 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए सबसे पहले HDFC बैंक के बारे में ही जानते हैं कि यहां पर 4% की गिरावट क्यों एक्सपेक्ट करी गई, क्यों यहां पर इतनी गिरावट देखने को मिली। तो यहां पर नोमरा की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें टोटल 4 पॉइंट्स नोमरा ने कवर करे हैं, जिस कारण से आज के दिन HDFC बैंक के अंदर हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सबसे पहला पॉइंट, नेट वर्थ एडजस्टमेंट हैव अ नेगेटिव 4% इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल ईयर 2024 BVPS यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर। तो यानी कि जो HDFC बैंक है उसकी जो नेट वर्थ थी वो हमें एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिल रही है नेगेटिव 4% से, और वो वित्तीय वर्ष यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस पर इम्पैक्ट डालेगी, जिस कारण से यहाँ पर जो उसकी नेट वर्थ है वो डिक्लाइन होगी। तो ये सबसे पहला रीज़न रहा। दूसरे रीज़न की बात करें तो NIM कट ऑफ अबाउट 25 BPS इन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 15-20 BPS इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑन एक्सेस लिक्विडिटी एंड अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो HDFC बैंक ने जो अपनी बुक्स के अंदर, जो अपनी बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट किए हैं, एक्सेस लिक्विडिटी दिखाई है, उसके चलते जो यहाँ पर इनकी ग्रोथ थी उसे यहाँ पर कट किया गया है। तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट रहा है आज के दिन की HDFC के अंदर गिरावट का। तीसरे रीजन की बात करें तो हायर कॉस्ट टू इनकम ड्यू टू अकाउंटिंग चेंजेस, तो ये भी यहाँ पर एक मेन रीजन रहा है क्योंकि जो अभी हमें अमोर्टाइजेशन देखने को मिल रहा है उसके कारण यहाँ पर ये भी रीजन देखने को मिल रहा है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अ शार्प अपटिक इन NPAs इन HDFC कॉरपोरेट लोन बुक, NPA बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं HDFC बैंक के अंदर। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि जिन भी पर्सन्स ने, जिन भी यूजर्स ने HDFC के अंदर से लोन लिया है वो टाइम पर HDFC को अपना लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो NPA हो रहे हैं, उनसे पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक नेगेटिव ट्रिगर है बैंक के लिए और इस कारण से भी हमें HDFC के अंदर आज के दिन गिरावट देखने को मिली। उसके कारण HDFC बैंक की जो EPS ग्रोथ है वो भी 3-5% कट कर दी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो यही मेन रीजन रहा है जिस कारण से HDFC बैंक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है और इसी का प्रेशर हमें निफ्टी बैंक पर आते हुए देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी का
सर हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी देखने को मिला है, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पर भी हमें 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि ये भारत और कनाडा के संबंध क्यों बिगड़े हैं। यहां पर सोच रहे होंगे कि अभी जो G20 समिट हुई थी उसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, बहुत अच्छे से डील यहां पर हुई, G20 समिट यहां पर हुई। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही कनाडा के प्रेसिडेंट वापिस उनके देश गए, फिर हमें ये चीजें बिगड़ते हुए देखने को मिली। तो यहां पर लेटेस्ट आई रिपोर्ट में आप देख सकते हैं खालिस्तान के मामले में कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि ये खालिस्तान क्या है, अल्टीमेटली ये पूरा मामला है। यहां पर आप समझ पाएंगे कि G20 समिट से इधर कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात में आपत्ति जताई थी। हालांकि जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा पहुंचे तो उनके तेवर बिल्कुल अलग देखने को मिले। अपने देश पहुंचकर ट्रूडो ने संसद में दावा किया कि उन्होंने PM मोदी से मुलाकात में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला उठाया था। अब ये कौन है? भारत हरदीप सिंह निज्जर को खालिस्तानी आतंकी मानता रहा है, लेकिन उसकी हत्या में किसी भी तरह से हाथ होने से इनकार किया था। अल्टीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तो हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी उसमें इंडिया ने उसको खालिस्तानी कहा था, लेकिन इंडिया ने यह भी कहा था कि हमने उसको नहीं मारा है। लेकिन यहां पर कनाडा का कहना है, कनाडा के PM का कहना है कि हमारे पास इसके सबूत है कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसमें भारतीय एजेंसियों का ही हाथ है, और इसके चलते हुए जो कनाडा के अंदर भारतीय राजदूत था उसे सबसे पहले कनाडा ने बाहर निकाला, और उसके बाद में आज के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं उनके साथ अर्जेंट मीटिंग बुलाकर जो भारत के अंदर कनाडा के राजदूत थे उन्हें अगले 5 दिन के अंदर देश छोड़ने को कहा है। तो ये सारी अभी जो कहानी है वो हमें देखने को मिल रही है, और इसी का असर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पॉजिटिव से नहीं बल्कि नेगेटिव रूप में देखने को मिल रहा है। एक और रीजन की बात करें तो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी भी स्टेबल नहीं हुए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी भी $93 पर बैरल पर देखने को मिल रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन नहीं होते हैं तो इंडियन जो कॉरपोरेट्स हैं उनको इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, और इससे उनकी मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होगी, जिसके चलते यहाँ पर जो अनदर आने वाले रिजल्ट है, जो अर्निंग सेशन है, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर है बाजार के लिए। और लास्ट अपडेट की बात करें तो FOMC की मीटिंग इसी मंथ FOMC की मीटिंग होने वाली है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि फेड अगेन यहां पर इंटरेस्ट रेट को हाइक कर सकता है, और इसके चलते भी हमें बाजार का रुख नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया और कनाडा के बीच में लेट नाइट क्या अपडेट निकल कर आती है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ रहती है तो उसका असर कल के दिन भी बाजार पर देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी अगर आपने बाजार में पोजीशंस ले रखी है क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर तो आप होल्ड करके चल सकते हैं, आपको यहाँ पर पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि कहाँ पर आप और शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।